सर्वदेशु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी आपके घर पधारे, नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव दिन नव रंग जीवन में लाएं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं, यही प्रार्थना साईं की द्वारका माई से हम सभी करते हैं और बाबा की भी कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साई सच्चित महाग्रंथ के पावन अध्याय को। कथा सुनाते साई शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साई शिरडी धाम की। ये साई सच्चरित है, ये साई सच्चरित है। पुण्य कथा मेरे शिरडी के साई राम की, ये साई सच्चरित है। पुण्य कथा मेरे शिरडी के साई राम की। ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आप सभी को शिरडी के साई बाबा के साई सच्चरित अध्याय 45 की पावन कथा साई की द्वारका माई से साई को सुनाने जा रहे हैं। और यह पावन कथा हमें साई धाम के संचालक व श्री साई बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन साई को समर्पित कर दिया, उनके आदेशानुसार श्री कैलाशचंद गुप्ता जी श्री साई बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य के आदेशानुसार साई की द्वारका माई में यह पावन कथा हम साई को सुना रहे हैं, ताकि साई सभी भक्तों पे कृपा करे, साई जीवन माला के सभी दर्शकों पे अपार कृपा करे, उनके कष्टों को खत्म करे और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो जयकारा मेरे शिरडी के साई नाथ का बोलिए सांचे दरबार की जय, शिरडी वाले साई बाबा की जय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साई सचिव के महाग्रंथ की इस पावन कथा को। बस आप लोगों से एक ही आग्रह कि आप सभी इस महाग्रंथ की पावन कथा को आखिरी तक सुने, बीच में बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि यह साई के जीवन का चरित्र है। हम साई को सुना रहे हैं ये महाग्रंथ की पावन कथा, और इस ग्रंथ के श्रवण से जो चमत्कार जो लाभ होते हैं आप उसकी शब्दों में परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर आप मानते हैं साई को तो सच्चे दिल से सुने इस ग्रंथ को और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए सबका ही परायण करें साई सचित महाग्रंथ का। तो ओम साई राम। प्रारंभ करते हैं संदेह निवारण। काका साहब दीक्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्न, बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता, प्रस्तावना। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पहले के ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्यसंग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और संसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है, जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा की भक्ति। समस्त चेतनाओं इंद्री प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ, यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग
शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता, पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, इह लौकिक तथा परलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। जो दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से संसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्मा हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरना यथार्थ में वे ही सद वस्तु परमात्मा है। और यह रहस्य उद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनका ही स्वरूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त कराने वाला मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्मा या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह कि सद्गुरु गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। देखा आपने किस प्रकार प्राणियों में उनके रूप का दर्शन कर पूजन करना प्रारंभ होता है, यह सभी इस अध्याय में बताया गया है। काका साहब दीक्षित का संदेह तथा आनंद राव का स्वप्न, यह तो सर्वविदित है बाबा कि काका साहब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज की दो ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भवार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी बंबई में काका साहब प्रातः काल एक नाथी भगवान का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे, सामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा वे दोनों ध्यान पूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिंपलायन अभिहोत दुर्मिल चमस और करभाजन का वर्णन है जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था कि अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं और अंतरिक्ष ने माया क्या है और प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिंपलायन ने पर ब्रह्मा के स्वरूप, अवरिहोत्र ने कर्म के स्वरूप और दुमिल ने परमात्मा के अवतार और उसके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कलिकाल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का
चिंतन ही है। और पठन समाप्त होने पर काका साहब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधव राव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है। तो आपने देखा, संदेह निवारण साईं सचित की अध्याय में भी कहा गया है कि कलयुग में केवल मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन गुरु की पूजन है, गुरु की सेवा है और गुरु के ग्रंथों का पाठ श्रवण और मनन करना है। तो आप सभी साईं सचित के इस महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करें और श्रवण करने के बाद जोर से जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। महाग्रंथ की ये पावन कथा अभी जारी है, इसे हम अगले वीडियो पे संपूर्ण करेंगे, तो आप सभी बने रहें, जाइएगा नहीं। अगले पाठ पे हम इस संदेह निवारण के संदेह का निवारण करेंगे। तो आप सभी से एक ही आग्रह, अगर आप सभी साईं की द्वारिका माई में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप सभी द्वारिका माई के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर्स बन सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब बटन को निःशुल्क सब्सक्राइब कीजिए और प्रवेश कीजिए साईं की द्वारिका माई में। कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि हम भी बाबा के समक्ष आपके नाम से अर्जी प्रार्थना लगा सके कि साईं आपके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करे और आप पर अपनी अपार कृपा करे। तो बने रहे साईं जीवन माला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं।